आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर है और 10 पंक्तियाँ सीता अनुप्रास या सीता दशक की व्यक्ति कर लेता है तो मैं समझता हूँ डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएँ होंगी, रोग हैं, शोक हैं, डिप्रेशन नहीं होगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ये वो नहीं, मैं ऐसे भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको इसको ठीक हुए कि जो क्लिनिकली बोगस केसेस थे डिप्रेशन के, वो ठीक हो गए। यानी कि जो सिंजोफ्रेनिया के केसेस थे, मेडनेस के केसेस थे, उनको बड़ा रिलीफ मिला, उनका माइंड कंसंट्रेट होने लगा। ये सीता अनुप्रास क्या है जानना चाहेंगे? देखिए, मैं चेंट करके भी बता दूंगा, ये 40 साल से ज़्यादा से तो मैं ही दे रहा हूँ इसको, 40 ईयर्स। ये हमारे महाराज जी, हमारे स्पिरिचुअल गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, फोटो मैं अक्सर उनकी देता हूँ, इनका द्वारा विरचित ये, और इसका प्रभाव उन्होंने खुद बताया, उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया कि अगर इसको प्रॉपर्ली कोई करता है अपने जीवन में, डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। बहुत चर्चा होती थी मेरी डिप्रेशन की, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था, बहुत मैंने स्टडी करी। मैं इसको बूस्टिंग वाली तरफ नहीं जाऊँगा कि ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, मगर सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको जो सीता अनुप्रास से ठीक हुए, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। बस एक शब्द कहूँगा, देखिए, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। दिस इज़ यू मे से सिंपली एटीट्यूड विच वन डेवलप्स। बहुत सारी चीज़ें है ना, किसी चीज़ से हताश हो जाए, मान लीजिए किसी चीज़ को बार बार कोई प्रोवोक कर रहा है, किसी चीज़ को मना कर रहा है, सिगरेट कोई पी रहा है आदमी, उसको मना कर रहा है, मत पी, पता चला कि उसकी जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ने लगी, तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज होने लगी। बच्चा पढ़ नहीं रहा, माँ उसको डंडा कर रही है, पढ़, डिप्रेशन में चला गया, इस टाइप के। अच्छा, फिर इसके बहुत जो फिर इसके एक्सट्रीम है, सुसाइडल टेंडेंसीज। हम तो यहाँ IT रुड़की का मैं देखता हूँ, हर साल मैं समझता हूँ कोई ना कोई सुसाइडल केस ज़रूर होता है यहाँ पे, इस टाइप का नहर है हमारे यहाँ, नहर में कूद जाते हैं डिप्रेशन के मारे। इस किताब में मैंने दिया सीता अनुप्रास का, और अगर इसका आप ये क्या है मैं चेंट करके बता देता हूँ, और एंड में इसका तरीका भी बता देता हूँ कि डिप्रेशन से बचना है अगर प्रॉपर तरीके से इसको चेंट करता है कोई, और अगर नॉर्मल व्यक्ति भी इसको चेंट करता है, जीवन में अपना अंग बना लेता है, तो एक शब्द मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन नाम का नहीं होगा। देखिए, 10 पंक्तियाँ हैं मात्र, पूरा इसका अगर आप सीता अनुप्रास भाई गोपाल राजू टाइप करेंगे, या सीता अनुप्रास गोपाल राजू मत बोलिए, तो भी आपको इसके आर्टिकल्स मेरे मिल जाएंगे, महाराज जी के इसके मिल जाएंगे, महाराज जी के श्रीमुख से गाया हुआ मिल जाएगा। और अगर आप गायन में चाहते हैं तो बिल्कुल अनूप जलोटा घिसी आवाज़, प्रवीण हमारे एक मित्र हैं कानपुर के, अनूप जलोटा, बिल्कुल इन्हें जूनियर अनूप जलोटा ही कहते हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने मुझे रिकॉर्ड कर दिया अपनी आवाज़ में, अनूप जलोटा जी की बिल्कुल सेम वैसी आवाज़ में, तो वो आप उसको श्रवण कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग जो चेंट नहीं कर सकते, अगर इसको सुनते मात्र हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए और इसको सुनिए, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। अब पहले तो मैं इसको आपको इसको चेंट करके बता देता हूँ, फिर लास्ट में बता देता हूँ इसका तरीका क्या है, कैसे इससे लाभ मिलेगा आपको। देखिए, सुनिए आप। सुंदर संजीवनी सुधा शांति, सद्भाव सुकृत संसार सुमन, सम सरल सुगम सुमधुर सुमनोहर, सुखद समुन्नत सर्व शरण, शाश्वत शुभ सत्य सनातन सत्ता, सरस सुघर सद्गुण सामन, संकट शंका संदेह सनी, संशय सनिश्चरी शक्ति शमन, सर्वोपरि सर्वांतर्यामिनी सर्वेश्वरेश्वरी सुधि सुलगन, संस्थिति संघार सृष्टि सागर, संतरण सेतु संबल साधन, सनकादिक सुरगुरु सविता शुक शशि शेखर शंकर संकर्षण, शारदा सरस्वती सावित्री शैलजा शचि श्रुति श्री सार सिजन, श्री सृष्टि सूतिका स्वयं श्री स्वामिनी स्वतंत्र सीता सुचरण, समरसा द्वैत सच्चिदानंद घन में है सर्वप्रथम सुनमन। ये 10 पंक्तियाँ अपनी इसकी लय बना लीजिए, अनूप जलोटा जी की आवाज़ में भी सुन लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक जो मैंने बनाया है। अगर इसको श्रवण मात्र भी करता है तो डिप्रेशन नाम की टेंडेंसी नहीं रहेगी। और ठीक हो गए हैं लोग बाग, जो बहुत सारे लोग अपने फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से डिप्रेशन में थे, बहुत सारे वो लोग जो फेलियर की वजह से डिप्रेशन में थे, बहुत सारे वो लोग जो अपने जिनके टारगेट्स थे वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, बहुत सारे वो लोग जो दिवालिया हो गए, फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो गए और वो डिप्रेशन में चले गए, लिकर एडिक्शन हो गया और दुनिया भर के एडिक्शन हो गए, उनसे एडिक्शन से छुटकारा मिल गया इसे पढ़ने से, तो ऐसा सीता अनुप्रास। और ये मैं नहीं कह रहा, ये महाराज जी, क्योंकि संतों की कृपा से पता नहीं किसी को कब क्या मिल जाए, मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिला और इसको मैंने दिया अपनी बुक में,
और इस बुक ने मुझे जो दिया है मैं बता नहीं सकता। और एक चीज़ ज़रूर है कि डिप्रेशन में मैं नहीं जाऊँगा, कम से कम मैं देखता हूँ कि मैं कितना हताश होता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे फल नहीं मिलता, देखता हूँ, पछताता हूँ, कहता हूँ लोगों से, मगर डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा कभी, ये प्रभु की कृपा। अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये कोई कविता की तरह नहीं पढ़ना, ये कोई मंत्र नहीं है, ये इसमें नाद होना चाहिए। और नाद ऐसा होना चाहिए कि जैसे जिस समय मैं जो करता हूँ तो आप भी वही करें, जिस समय नहा के धो के तैयार होते हैं आप, तब दो चार पाँच दस बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो नहाना शुरू करते हैं ना, तो नहाते आप उसको गुनगुनाना शुरू कर दीजिए आप, सुंदर संजीवनी सुधा शांत सद्भाव सुख संसार सुमन सम सरल सुगम सुमधुर सुमनोहर सुगम सम शुभ सत्य सनातन सत्ता सर सुगर सदगुण सावन संकट शंका संदेह सनी, एक बार दो बार तीन बार दस बार बीस बार चालीस बार पचास बार सौ बार गुन 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 गुन, जैसे भंवरा करता है ना, गुन 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 गुन। और उसमें रम चाहिए, यानी कि ऐसा लगने लगे कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल कोई जो वाह्य वृत्तियाँ हैं ना उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, और फील कीजिए कि जो मेरा ब्रेन है बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी एम्प्टी है, कोई उसमें आइडियाज़ नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई सेंटिमेंट्स नहीं, कोई बुरे विचार नहीं, कोई दुर्व्यवचार विचार नहीं, किसी के प्रति कलुषता नहीं, बस अपने गुन 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 गुन, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भूल गया सब कुछ, दुनिया सुंदर संजीवन सुदर्शन सद्भाव सुख संसार, नहाता जा रहा हूँ जपता जा रहा हूँ, मेरा तो ये तरीका। अब बहुत सारे लोग जो पूजा में बैठते हैं तो पूजा में बैठ के करते हैं, तो पूजा में करिए, धूप है, दीप है, दीपक हैं, मगर इसमें महाराज जी ने कहा था इसमें कोई खटराग नहीं, इसमें सा की जो आवृत्ति है ना, अनुप्रास जो अलंकार है इसमें, तो सा की आवृत्ति से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो षट चक्रों में चोट करती हैं, और षट चक्रों में चोट करती हैं तो उससे एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी पैदा होती है तो उससे डिप्रेशन या अवसाद, ये मानसिक तनाव या और कोई रोग शोक इस टाइप की चीज़ें धीरे धीरे नकारात्मक समझिए भावना जो है धीरे धीरे उसका पलायन होने लगता है। तो सीता अनुप्रास का ये पूरा, और अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, और अगर नहीं आप डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे लोग कष्ट नहीं कर पाते जाने का, अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो इतना तो कर सकते हैं सीता अनुप्रास टाइप कीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, और इसको करिए देखिए। और एक शब्द ये कहूँगा कि पहले ये मान के चलिए कि डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, और इसकी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है सिवाय ट्रैंक्विलाइज़र के, ये डॉक्टर्स खुद बताएंगे कि, और एक दो दिन का नहीं दिया जाता ट्रीटमेंट, दो तीन चार साल पाँच साल का कंटिन्यूसली इसको देना पड़ता है, तब फिर आदमी को रिलीफ मिलता है, और तब तक आदमी के पता है सोचो के क्या हालत हो जाती है, क्योंकि ट्रैंक्विलाइज़र में जो ट्रैंक्विल करना चाहते हैं डॉक्टर, अगर मान लीजिए आदमी को नींद नहीं मिली, वो गोली तो सुलाने के लिए दे रहे हैं कि 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे सोए वो, और पता चला कि आपको नींद नहीं आ रही आधे घंटे दो घंटे के लिए भी, तो वो जो स्थिति है वो डिप्रेशन से भी ज़्यादा कष्टकारी है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो बिना डॉक्टर की सलाह के स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल मत लीजिएगा इसके लिए, ना ही कोई ट्रीटमेंट इधर उधर से कि नहीं डिप्रेशन की दवा देता हूँ, ओरली मत लीजिएगा, नहीं तो डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिएगा, मगर ये चीज़ मैं कहता हूँ, दावा करूँगा कि इससे कहीं नुकसान नहीं होगा, कम से कम मैं कहता हूँ इस चीज़ को। और फिर भी अगर आपकी मानसिकता है कि नहीं साहब मैं तो पूजा करता हूँ मुझे नुकसान होने लगता है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे भूत चिपटने लगते हैं, भैया उनके लिए माफ़ी क्षमा प्रार्थी। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दिया करें, गोपाला जी मोटिवेशन वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। किताब अगर मेरी चाहिए तो गोपाला जी बुक्स मैं लिंक दे दूंगा, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, लेने को मैं कभी नहीं कहता। सीताराम।